लाइव 4G CPU निकाल के लगा के चालू करेंगे और पूरे दिन भर कौन कौन करेगा जल्दी बता भाई। इनमें से किसी ने भी CPU MMC पर नहीं गए राइट। हेलो IC पे काम करने आए हैं पर हम IC से कहीं ज्यादा काम करेंगे जैसे टाट लेवल पे कानपुर यूपी कानपुर से हो तो यस सर पहली बार होगा भाई। नया सिलेबस में ऐड किया कि थ्योरी दो थ्योरी का प्रैक्टिकल कराओ और उसके बाद जो टाइम बचे उसमें फिर से CPU कराओ। yes, sir. मैंने क्या कहा मैं एक दिन डुअल लेकर नहीं मैं डुअल लेकर कराना चौथे दिन से चालू करवा दूंगा। हेलो जो रिवॉल्व करवाया वही लगवाऊंगा। हेलो हम DSO सीख के जाएंगे कौन कौन सारे एवरीडे DSO को लाइव प्रैक्टिकल करना चाहता है। UTD C+ सबसे एडवांस DSO है एंड्रॉइड आईफोन के अंदर लीगल। यू डोंट नीड लीगल आपको 40,000 का DSO नहीं लेना पर मैं आपको 40,000 का DSO का कोर्स फ्री दूंगा। हेलो DSO नेट प्रोग्रामिंग ये सब कुछ आपको मेरे कोर्स के बाद मिलेगा बट उनको मिलेगा जो मेरे को मेरे हिसाब से रिजल्ट दे रहे होंगे। बताओ आप खड़े होके बताओ फाइनली सर्किट का अपडेट पूरा मिलेगा पूरा अपडेट वो ऑलरेडी पूरे अपलोडेड वीडियो के साथ। यस सर इतने 100-200 प्लस वीडियो है कि आप देख देख के थक जाओगे। यस सर आप 1 प्लस आएगा तो 1 प्लस का वीडियो देखना S20 आया तो S20 का वीडियो देखना। ये पावर ऑफ कान कैसे करती है इसके अंदर के प्रोटोकॉल क्या काम करते हैं। लेकिन इसके अंदर CPU तक को पढ़ाया है। हेलो मैंने ये भी बताया कि CPU के पास कौन से प्रोटोकॉल सबसे इंपॉर्टेंट है सिर्फ CPU की रिक्वायरमेंट नहीं बात समझ रहे हो। तो ये आपको ये अच्छा ये भी मैंने बोला ये सबको नहीं दूंगा। सब लोग आज हम यहाँ हजारों किलोमीटर का सफर करके आए हैं कुछ सोच के कि हम IC पे काम करेंगे सर्किट सीखेंगे फोन को रिपेयर करेंगे काम करने आए पर हम IC से कहीं ज्यादा काम करेंगे जैसे टाट लेवल पे जैसे हम
हमने थोड़ा सा हमने नॉलेज लिया कि कितना इंपॉर्टेंट है एक ग्राउंड भी। yes, sir. अगर हम ग्राउंड भी छोड़ देते हैं तो हमारा बोर्ड रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा। yes, sir. Yes, sir. इंडिया का पहला वीडियो मैं बनाया, बूढ़ियों का प्रेप ऑफिस का पहला वीडियो मैं बनाया, लेके आने वाले जेडएक्स मलिक है। हेलो, आज मैं मलिक का नाम 10,000 जगह पे क्यों लेता हूँ, क्योंकि वो अपनी 24 साल की उम्र में उसने 50 साल वाली उम्र का काम कर रहा है। हेलो, सीपीयू करने के बाद हम अपने सर्किट सेक्शन में आएंगे। पर आपने कभी नोटिस किया सर का सिलेबस क्या है? चलो मैं आपको सिलेबस का थोड़ा सा हिंट देता हूं। संडे कहा कि सीपीयू करने के बाद, हेलो, पावर करने के बाद, कंपोनेंट करने के बाद, पीसीबी में आईसी आइडेंटिफिकेशन करने के बाद किस पे जाएंगे? सर्किट पर। तो सर्किट समझ में आएगा और सर्किट में अगर बोला जाएगा कि सीपीयू रिपोल करना है तो डर भी नहीं लगेगा और वो डर खत्म हो जाए। ये पहली बार होगा भाई। तुम सोचो हमने लास्ट 3 महीने से नया सिलेबस में ऐड किया कि थ्योरी दो, थ्योरी का प्रैक्टिकल कराओ और उसके बाद जो टाइम बचे उसमें फिर से सीपीयू कराओ। yes, sir. मैंने क्या कहा, मैं एक दिन डुअल लेकर नहीं, मैं डुअल लेकर कराना चौथे दिन से चालू करवा दूंगा। हेलो, जो रिवॉल्व करवाया वही लगवाऊंगा। हेलो, चलो यार, ये सर्किट तो ठीक है, ये सर्किट तो आपने समझा, इतनी सारी चीज सीखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपके साथ मिलेंगे। दुर्गेश सर के लिए मैं जोरदार ताली बजा दूंगा। दुर्गेश सर आपको हार्डवेयर भी पढ़ाएंगे मेरे साथ और सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे, बहुत मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं और उनका नॉलेज बहुत अच्छा है। दुर्गेश सर के बाद मैं सॉफ्टवेयर के बाद, अच्छा वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब है कि वो कभी भी अपने हाथ में माउस, अपने हाथ में वो सारी चीजें आपके हाथ में होंगी, आप ही लोग अटेंड करेंगे, वो सिर्फ आपको एक्सेस करेंगे। हेलो, आप ही के फोन से जो फोल्ड फोन होगा उसी की आप फ्लैशिंग की जाएगी, बात समझ रहे हैं? और अगर उसकी फ्लैशिंग में एरर आता है तो वो एरर को रिजॉल्व करेंगे अभी एमएमसी की क्लास में। हेलो, एमएमसी पढ़ाएंगे आपको, मिलन सर के बाद मिलन सर के जोरदार ताली बजा दो। मिलन सर के बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो एक बहुत कॉन्फिडेंट बंदा है, एमएमसी का बहुत सुप्रीम नॉलेज है मिलन सर को। मिलन सर आपको ब्लैक पेस्ट एंड एमएमसी और यूएफएस की क्लास देंगे। हेलो, हम यूएफएस सीख के जाएंगे, बात समझ रहा? हम जेटेक की क्लास लेके जाएंगे पर हम करेंगे नहीं। हेलो, क्यों? क्योंकि हमें यूएफआई पे पहले काम करना है। किस पे काम करना है सर? हमारी जिंदगी बहुत बड़ी है, हम हर थाली में 10,000 का खाना नहीं रखेंगे सर, हम सिर्फ वो दो रखेंगे जिसको हम खाएंगे पहले। कहते हैं ना, दो रोटी खाओ फिर टीसी लेना, तो फैक दोगे। हेलो, फेंकने वाला खाना नहीं खाएंगे हम। नॉलेज बिल्कुल ऐसा होता है। तो हम बेसिकली हम UFS की क्लास अटेंड करके जाएंगे, UFS चेंज, UFS अपग्रेड, हम 64 GB को 128 भी बनाएंगे। हेलो, बताओ आप खड़े होके बताओ, फाइवी सर्किट का अपडेट पूरा मिलेगा? पूरा अपडेट वो ऑलरेडी पूरे अपलोडेड वीडियो के साथ। yes, sir. इतने 100-200 प्लस वीडियो है कि आप देख देख के थक जाओगे। yes, sir. आप वन प्लस आएगा तो वन प्लस का वीडियो देखना, S20 आया तो S20 का वीडियो देखना। yes, ये पावर काम कैसे करती है, इसके अंदर के प्रोटोकॉल क्या काम करते हैं। yes, मैंने इसके अंदर सीपीयू तक को पढ़ाया है। हेलो, मैंने ये भी बताया है कि सीपीयू के पास कौन से प्रोटोकॉल सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सीपीयू की रिक्वायरमेंट नहीं, बात समझ रहे? तो ये आपको ये, अच्छा ये भी मैंने बोला, ये सबको नहीं दूंगा मैं। आपको 40,000 का डीएसओ नहीं लेना, पर मैं आपको 40,000 का डीएसओ का कोर्स फ्री दूंगा। हेलो, DSO, नेट प्रोग्रामिंग, ये सब कुछ आपको मेरे कोर्स के बाद मिलेगा, बट उनको मिलेगा जो मेरे को मेरे हिसाब से रिजल्ट दे रहे होंगे। एमडी सर एक ऐसे टीचर हैं जो आप सबसे एक ही दिन में सीपीयू लगवाएंगे। हेलो, काबिले ताली बात नहीं है ये? तीन तीन स्टूडेंट होते हैं आपके पसीने निकल जाते हैं। अच्छा, आप में से किस किसने SMD टच किया? छुई नहीं SMD, आपने भी छुई, एक ही जन है बस, बाकी सबने SMD छुई है। उठा रहा हाथ, क्या दिक्कत है? भाई SMD नहीं छुई है आपने। हेलो, तुम पहले निकालोगे इनसे? पूछो क्यों, पूछो खड़े होके पूछो कि मैं पहले क्यों निकालूंगा इनसे, क्योंकि इनके कंसर्ट पहले हम इनको इन्हीं के हिसाब से निकालने देंगे। ये 10 गलतियां करेंगे और तुम निकालोगे पहली बार भी हमारे हिसाब से। यस सर। यस सर। कानपुर, यूपी। कानपुर से हो तो? यस सर।
कानपुर। भाई तुम तो लटको आते करो, ठीक है चले यार। और ये कहूंगा भाई जो सो साफ से पढ़ना है, मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन पढ़ाई में लाने की जरूरत नहीं है, कोई चीज की आप मोटिवेशन के लेने नहीं आए भाई। टीचर पर भरोसा है और भरोसे से आगे चलेंगे ना। आज कल एक दिन में जो कंफ्यूजन है उसको दूसरे दिन में क्लियर करेंगे, दूसरे दिन का पहले दिन का और तीसरे दिन में क्लियर करेंगे, पहले दिन का और चौथे दिन में क्लियर करेंगे। कुछ भी चीज रुकने वाली नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स है मेरे पास, हर चीज को सीखने की जबरदस्ती कोशिश मत करना। बहुत अच्छा एक मेरे को एक आती है चीज, मेरे को बहुत अच्छे से कहा था कि देवदत्त अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स में ना सबसे पहला सिद्धांत ये होता है कि सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। हेलो पहली बात है ना, अंदर हो पहले, पहला स्टेप बढ़ा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद दूसरा स्टेप बढ़ाओ, फिर तीसरा, धीरे धीरे आपके पुराने पीछे के सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। आप सोचोगे कि आज सब कुछ ही आ जाना चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं होगा और उसमें टेंशन होगी और ले देके फिर हम बाकी की काम भी नहीं कर पाएंगे। हेलो तो किसी को भी एक रुपए का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों, जब तक आपके साथ कौन है जल्दी बताओ, हाँ जब तक आपके साथ में एशिया टेलीकॉम की टीम है, कौन है जल्दी बताओ, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। भरोसा किया और हमें मौका दिया, अब मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाने का, हेलो और हम पूरा वादा करते हैं लाइव आपके घर वालों के सामने कि अगर आपने वाकई में मेरा साथ दिया तो मैं आपको इतने काबिल बना दूंगा कि आपकी कमाई तो बहुत अलग है, मैं आपका स्तर भी आपके घर में आपके मार्केट में उठवा दूंगा। हेलो हम इज्जत भी कमाएंगे, नोट भी कमाएंगे और हर जगह सम्मान भी कमाएंगे। हेलो समझ आ रहा है मेरे पास, थैंक यू वेरी मच। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सॉल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए, हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर आईसी और 4th दिन में CPU करवा देंगे, हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सॉल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी।